हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जिन जिनको लगता है यहाँ पर हम आरओ की मोटर से वाटर पंप नहीं बना सकते, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आरओ की मोटर से वाटर पंप बनाया, तो इसको मैं सबसे पहले ऑन कर रहा हूँ। तो गाइस, इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आप आवाज़ को सुनकर आइडिया लगा सकते हो, जिससे आप अपनी कार, बाइक और यहाँ तक कि आप अपने एसी की सर्विस भी कर सकते हो। ये ईंट को इस तरह से काट रहा है जैसे इसके सामने ईंट नहीं बल्कि मक्खन रखा हो। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, तो फटाफट से हम चलते हैं अपने स्टूडियो में। तो यहाँ पर मैं स्टूडियो में आ चुका हूँ। तो गाइस, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है इसे कबाड़ी की दुकान पर जूते पॉलिश करके रख दिया हूँ। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसके सारे मटेरियल्स को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो मोटर की वाइंडिंग है वो कितने पतले कॉपर वायर से की गई है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो इसके आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और सर्विस पंप को बनाने के लिए इतने आरपीएम काफ़ी कम है। तो हम इसकी दोबारा से वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग करने के बाद जिसका जो आरपीएम वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक सर्विस पंप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके कॉपर वायर्स को यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल इसका रोटर हम मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है और जो इसके यहाँ पर हुक्स बने हुए हैं उसको भी हमने यहाँ पर खोल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 21 गेज की एक कॉपर वायर लिया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस कॉपर वायर के ऊपर एक पॉलिश लगी होती है जो कि इसे शॉर्ट होने से बचाती है। तो उसको हम रगड़ कर इस पॉलिश को यहाँ पर हटा लेंगे और पहली वाली हुक में लगाएंगे। तो जो हुक का सेंटर वाला पॉइंट है हम इसको यहाँ पर दबा देंगे और यहाँ से हम चार जो हमारे टर्न है वो उल्टे चलेंगे, यानी कि हम इसे जो हमारी कॉयल हमें वाइंड करनी है वो 8 कॉयल के अंदर हमें इसे वाइंड करनी है, क्योंकि इसके अंदर 16 कॉयल्स होती हैं। तो हमें 8-8 के सेट बनाने हैं। तो हम इस 8 कॉयल के सेट को हम इसके ऊपर 17 बार हम इसे टर्न करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम जितने मोटे कॉपर वायर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके आरपीएम इंक्रीज होते हैं, और जितने पतले वायर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उतने ही कम आरपीएम इसके बनते हैं। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट हुक में इसे लगाकर अगली वाली कॉइल को वाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी वाइंडिंग को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो आखिरी वाला वायर बचा है वो हम वहीं पर लगाएंगे जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम इसे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो रोटर है वो वाइंड होकर तैयार हो जाता है और यहाँ पर हमारे जो इसके आरपीएम होते हैं वो भी बिल्कुल इंक्रीज होते हैं। जितनी हमें एक सर्विस पंप बनाने के लिए हमें इसके आरपीएम चाहिए होते हैं उतने यहाँ पर हमारे आरपीएम इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी शोल्डरिंग कर लेंगे ताकि जो वायर्स है इसकी हुक्स के अंदर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर घूमने वाला है। तो हम इसकी शोल्डरिंग को भी बढ़िया तरीके से करेंगे और यहाँ पर मैं इसको घुमा कर दिखाऊँगा। तो घुमाने से क्या होगा, जो इसका बैलेंस है वो हमें पता लगता है। अगर जो हमारा रोटर है वो वाइब्रेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेंटर पॉइंट पे नहीं है, तो हमारी मोटर भी जो है वाइब्रेशन करेगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से वाइंड करा है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो गाइस, इसकी बॉडी को मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ करके और इसके ऊपर मैट ब्लैक पेंट कर दिया, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पर हम इसकी बॉडी को फिट करके फिलहाल मैं आपको 12 वोल्ट से चलाकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे 24 वोल्ट का इसको यहाँ पर बनाया है। तो इसे आप आरओ वाले अडेप्टर से भी चला सकते हो जो हमारे आरओ के अंदर निकलता है, तो ये भी आपको आरओ रिपेयरिंग वाली शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो टॉर्क है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। फिलहाल हम इसे 12 वोल्ट पर ही चला रहे हैं। तो इसका जो हेड है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर दूसरे वाला हेड लिया है। तो जो आपको हेड का ही खास ध्यान रखना है और इस हेड के अंदर कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आपका जो आरओ वाला पंप है वो ख़राब हो चुका है तो आप इसके हेड को खोल कर इसके अंदर सिर्फ डस्ट गई हुई होती है, जिसके कारण ये अपना पानी जो है वो नहीं उठा रहा होता। तो आप उस डस्ट को क्लीन करके आप उसे दोबारा से रनिंग में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके पैर भी लगा लूँगा, जो इसका स्टैंड है ये भी इस मोटर के साथ आया था, तो उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और मैं इसे एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर फिलहाल में फिट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम दो ब्लैक स्क्रू लगा रहे हैं ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से टिक जाए। और यहाँ पर मैं एक 16 एम्पीयर का एक पावर ऑन ऑफ वाला स्विच लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डीसी स्विच लिया है और इसकी नेगेटिव वायर को यहाँ पर जोड़ दिया है और सेंटर वाले में भी नेगेटिव वायर्स को जोड़ दिया है। तो हम इसे 24 वोल्ट का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और अलग से एक लिथियम आयन बैटरी 12 वोल्ट की हमने यहाँ पर बनाई है। तो इसके फटाफट से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ और आपको इसके वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये पूरे 24.2 वोल्ट का कुछ यहाँ पर बनकर जो रेडी हो चुका है। तो इसके हम बनाएंगे अब गन। तो गन बनाने के लिए मैंने पानी वाला पाइप लिया है और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने काट लिया है और इसके ऊपर सैंड पेपर रखकर, जो 0 नंबर का सैंड पेपर होता है उसको रखकर हम इसे रगड़ रगड़ के इसे इसकी शेप में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से इसकी शेप को हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसे गन टाइप पे बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि काफ़ी मोटा पाइप है ना, थोड़ा
हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इसकी गन की शेप में इसको बना लिया है और हमें इसकी पेन की आत्मा को बाहर निकाल कर इसको साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पेन की मदद से ही इसे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे पाइप के साइज़ के पीवीसी शीट्स कट कर लिए हैं ताकि हम इसके अंदर पेन को लगाकर और इसके अंदर पाइप को डाल सकें। तो यहाँ पर मैंने जो मिस्त्री होता है उसका जो वाटर लेवल पाइप होता है वो यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इस पेन के ऊपर अच्छे से चढ़ जाएगा और हम इसके ऊपर फैब्रिक डालकर इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका देंगे ताकि यहाँ से पानी जो है वो लीक ना करे। तो यहाँ पर मैंने एक पाइप के बीच में होल किया है जिसके अंदर से मैंने पाइप को निकाला है और यहाँ पर हम गन को रेडी करने के लिए फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से लगा लिया है और आपको भी इसी तरह से गन को बना लेना है। और अगर आपके पास कोई दूसरा आइडिया है इस गन को थोड़ा मॉडिफाई करने का तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम पीछे वाले हिस्से पर भी एक पीवीसी शीट का एक टुकड़ा यहाँ पर लगा लेंगे और उसको भी यहाँ पर पैक कर देंगे। 24 वोल्ट की हमारी बैटरी जो है वो बन चुकी है और मैं इसे 24 वोल्ट से इसे चलाकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसे पावर ऑन कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसका बाल्टी में पाइप डाला हुआ है। यहाँ से हमारा जो है वो इनलेट है और यहाँ से हमारा आउटलेट पानी जो है बाहर निकलेगा। तो हम इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए तो जो प्रेशर है वो कितना दूर तक जा रहा है। देखिए तो गाइस इसका प्रेशर तो आप देख सकते हो जो कुछ है वो आपके सभी के सामने है। मैंने आप बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं बनाई जिसकी मदद से मैं अपनी यहाँ पर भैंस को भी नहला पा रहा हूँ। तो भैंस से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हूँ, नहीं तो उसको इंजन नहीं हो सकते क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसे नेक्स्ट पार्ट पर इसकी वीडियो देखनी या फिर नहीं। तो उस नेक्स्ट पार्ट में इसकी फुल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, इसकी जो बॉडी वगैरह है इसको प्रॉपर तरीके से फिट करके दिखाऊंगा जैसे कि एक सर्विस पंप होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।